सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेकर आता हूं। दोस्तों, ये भी ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे बीच में आए हुए हैं स्पेशल गेस्ट डॉक्टर चंद किशोर राठौर, जो कि हमारे डॉक्टर भैया हैं। उन्होंने BHMS कर रखा है और इस समय जो प्रेजेंट टाइमिंग पर अगर बात करें तो वो यहाँ पर नीट बायोलॉजी यहाँ पर कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, तो अभी जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। और उनके दो चैनल भी हैं होम्योपैथी से रिलेटेड, यहाँ पर वो टीचिंग करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर ही बच्चों को। यहाँ पर जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके चैनल से जुड़े हुए हैं। अगर आप भी यहाँ पर बायोलॉजी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर मैं उनसे मिलाने वाला हूँ आज के इस ब्लॉग में दोस्तों। तो यहाँ गाइस, फाइनली वो घड़ी आ ही गई जिसका आपको इंतज़ार था। अब मुझे तो बहुत ही मतलब सालों से इंतज़ार था। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं अपने बड़े भैया से, गुरुजी से मिलने वाला, जो कि डॉक्टर साहब है, तो मिल लीजिए। नमस्कार सभी को, ये जितेंद्र ब्लॉग्स इनका चैनल है, इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ये बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पर और ऐसे ही कंटेंट बनाते रहते हैं बढ़िया बढ़िया आपके लिए। इनका टैग चैनल भी है। मैं भी जो है वो YouTube पे ट्राई कर रहा था काफ़ी दिनों से। फिर एक मेरा एजुकेशनल चैनल है होम्योपैथिक मेडिसिंस का, सिर्फ होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए है, सभी के लिए नहीं है। तो आप में से अगर कोई BHMS या DHMS कर रहा है तो वो लोग फॉलो कर सकते हैं। होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका पढ़ाता हूँ मैं ओनली होम्योपैथी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अभी हमने रिसेंट में एक बाइक परचेज किया है, ये GoPro है मीडिया मोड के साथ, और हेलमेट सेटअप वगैरह बना के बहुत जल्द एक मोटो ब्लॉगिंग का चैनल लाने वाले हैं। एक नया चैनल हमारे बड़े भैया जी ने स्टार्ट किया है, उस पर वीडियोस अभी नहीं आए हैं, अभी नया ही चैनल स्टार्ट किया, लेकिन बहुत ही अच्छे वीडियोस जैसे आपको वीडियो आएंगे, आपको लिंक वगैरह इनके चैनल पे भी मिलेगा और हमारी तो सोशल मीडिया पे रहेगा। बिल्कुल। और बहुत ही अच्छी बाइक, बिल्कुल जहर एकदम आई है, आपको बस सरप्राइज रहेगा आपके लिए। वो भी वीडियो कुछ झलक कुछ वीडियोज मैं इनको भेजूंगा, वो अपने वीडियो में एड करेंगे, आप सभी को देखने को मिलेगा। और एक
और एक कंप्लीट एक ब्लॉग भी आएगा उस पर, हमारे चैनल पर देख लीजिएगा और भैया के चैनल पर तो आपको देखने को मिल जाएगा मोटो ब्लॉग्स, यही नाम है ना आपका मोटो ट्रेल्स नाम का एक चैनल होगा, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारे डॉक्टर साहब हमारे बीच में जो आ चुके हैं, आप इनसे मिलकर आपको अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर इनकी वजह से यहाँ पर मैं भी मोटिवेट होकर यहाँ पर बहुत सारे इतना मतलब एफर्ट किया और काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं यहाँ पर हमारे चैनल पर, और भी ज़्यादा सपोर्ट करिए। इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ हमको दिए और उसी पर मैं काम करता रहा, और आज यहाँ पर मेरे जो है 1K कंप्लीट हो चुके हैं मेन चैनल पर, और वहाँ पर मैं जो मेरा मोनेटाइजेशन है वो इनेबल भी हो चुका है भैया की गाइड की वजह से। तो इनसे अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको इनके चैनल पर जाना होगा, और काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाते हैं यहाँ पर। अभी जो है एकदम रेडी हैं, गोप्रो से हम इस समय शूट कर रहे हैं, इनके पास पूरा सेटअप है और बाइक भी आ गई है, 3 कौन सी है, 390 ड्यूक आग लगा देंगे बिल्कुल ब्लॉग में, बिल्कुल एकदम जैसे कहा जाता है कि हाँ रेडी हैं ब्लॉग बनाने के लिए, तो भैया हमारे बिल्कुल रेडी हैं ब्लॉग बनाने के लिए। तो कुछ और कहना चाहते हैं आप अपने शब्द यहाँ पर कुछ ऑडियंस को बताना चाहते हैं? देखो यूट्यूब बनाने वाले आप में से बहुत लोग होंगे जी, तो उनको मैं यही सुझाव देना चाहूँगा रेगुलरिटी मेंटेन रखें। मेरा दूसरा चैनल है उस पर रेगुलरिटी मेंटेन नहीं रह पाती, मोनेटाइज हो चुका, करीब 3900 सब्सक्राइबर हैं 3900 के आसपास। वाओ कांग्रेचुलेशंस ब्रो। बट ये है कि रेगुलरिटी ना होने की वजह से थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है, जो अच्छा मैं आप है वो थोड़ा कम आ रहा है। हाँ ये तो सही है। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि यहाँ पर अगर रेगुलरिटी आपके चैनल पर रहती है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके चैनल पर? देखिए मैं इस बारे में बताना चाहूँगा, मेरी एक जूनियर थी, उसने चैनल मेरे बाद स्टार्ट किया मई 2020 में, और उसका चैनल मेरे से भी ज़्यादा ग्रो कर गया। रीज़न क्या है? रेगुलरिटी। अच्छा, उसके शायद वीक का 2 वीडियो आता है लेकिन रेगुलर पैटर्न में आता है। तो रेगुलरिटी अगर रहती है तो क्या यूट्यूब की जो एल्गोरिथम होती है बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करती है, क्या आपके वीडियोज़ की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है? दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ आप किस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, नीश डिसाइड होनी चाहिए। हाँ देखिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका जो हैशटैग वगैरह लगाते हैं टॉपिक लगाते हैं, उससे क्या होता है कि जब आप कोई पर्सन जैसे सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ड्यूक 390 पे वीडियो बनाया और कोई नया बंदा है जिसको ड्यूक लेनी है या देख रहा है, तो उसने अगर ड्यूक 390 लिख के वो वीडियो टाइटल सर्च कर रहा है तो एक बार जो वीडियो उसने देख लिया वो उसको दोबारा नहीं दिखेगा, दोबारा एल्गोरिदम नया वीडियो ही दिखाएगा। तो आपके वीडियो पे चाहे 4 व्यूज़ हों, चाहे 400 हों, चाहे 4000 हों, आपका वो वीडियो रिकमेंडेशन में एक टाइम के बाद आ ही जाएगा बहुत से। तो इसलिए ज़रूरी चीज़ है जो आप टाइटल डाल रहे हैं, जो कंटेंट डाल रहे हैं उसमें वो निश्चित होना चाहिए। दूसरी चीज़ हैशटैग्स वगैरह का इस्तेमाल करें, जैसे इंस्टाग्राम पे करते हैं वैसे यूट्यूब पे भी है। हैशटैग टाइटल्स और टैग्स का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है अपने यूट्यूब चैनल में। जब भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं, डिस्क्रिप्शन का पता नहीं, मैंने आज तक डिस्क्रिप्शन तो डाला ही नहीं किसी, मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, तो आपको अगर देखना है तो मेरे चैनल पर चले जाइएगा। बाकी इन्होंने बहुत कुछ बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन कैसे यूट्यूब से रिलेटेड, यहाँ पर ऑटोमेटिक टैग कैसे यूज करें और यूट्यूब से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैंने इनके वीडियोज देख देख के सीखी हैं, तो आप लोग भी सीख सकते हैं। यूट्यूब रिलेटेड जो भी कंटेंट है आप एक प्लेलिस्ट उसको बना दो। हाँ प्लेलिस्ट बन चुकी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट बन चुकी है आपके लिए, तो आप लोग भी गाइडेंस ले सकते हैं इससे। काफ़ी उसमें 390 वीडियोस आ चुके हैं यूट्यूब हेल्प वाले प्लेलिस्ट में। तब तो बहुत मतलब बहुत कुछ कर दिया है इन्होंने आपके लिए। बेसिक से हमने बताया कि कैसे आप मतलब जो भी वहाँ पर जैसे नया बंदा कोई आता है, नया कंटेंट क्रिएटर होता है, वहाँ पर कैसे अपना स्टार्टअप करता है यूट्यूब वीडियोस पर। एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, जब से ये जियो का युग आया बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब की दुनिया में आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग नए नए वीडियोज बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपना एक क्षेत्र डिसाइड करो कि आप कौन से विषय पर बनाना चाहते हो। क्योंकि अगर आपने मिसलेनियस वीडियो बनाए, आपने सब लोग व्लॉगिंग ही करेंगे तो शायद उतना बेहतर नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप किसी एक विषय पर निश्चित होकर बनाते हैं तो ज़रूर आपको सफलता मिलती है। जैसे मैं आपको सिंपल सा बताऊं कि जब मैंने सोचा मैं एजुकेशनल वीडियो बनाऊंगा तो मुझे लगा एजुकेशनल वीडियो तो बहुत सारे होते हैं, एजुकेशनल चैनल पर इतना व्यूज़ नहीं आएगा। सही तो वो एक अलग बनाया मैंने, होम्योपैथी पर बनाया, तो होम्योपैथी पर चैनल बहुत ज़्यादा नहीं थे और वो धीरे धीरे जो है वो रफ्तार पकड़ता गया, आज 3900 के करीब है, आने वाले कुछ समय में 10,000 भी हो जाएगा, लाख भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ही मतलब मोटिवेशन मिलने वाला है भैया से मिलकर, क्योंकि इन्होंने आपने कब चैनल को क्रिएट किया था कुछ बता सकते हैं? चैनल तो बहुत पुराना है, फरवरी 2018 में क्रिएट किया, वीडियोज नहीं डाले ज़्यादा। लेकिन इनसे एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ सीखने को मिली है कि
पेशेंस अगर है तभी आप यूट्यूब पर आए और अपना वर्क करें। देखिए एक चीज में, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप यूट्यूब पर स्विच ना करें। दोस्त यूट्यूब जो है वो मेन करियर नहीं होता, YouTube जो है वो मेन करियर नहीं होता कभी भी। आप YouTube से आप ये मत सोचिए कि अर्निंग आ जाएगा, आप ये मत सोचिए कि हम YouTube से एक दिन बड़े आदमी बन जाएंगे जैसे बहुत सारे लोग बनते हैं। लेकिन हाँ ये है कि YouTube एक सपोर्ट सिस्टम हो सकता है एक साल दो साल तीन साल। भैया यहाँ पर जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पैसा ही कमाना है तो आप यूट्यूब को मत चुनिए। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, पैसन। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है यूट्यूब बनाने में तो आप एक समय के बाद उब जाएंगे, फिर आप फिर से अपना यूट्यूब स्टूडियो देखेंगे, फिर आपको मन नहीं लगेगा अरे व्यूज़ बड़े कम आ रहे हैं, ये हो रहा है, धीरे धीरे जो है वो डिप्रेशन आ जाता है। तो विषय ऐसा चुनिए जिस पे आप लगातार काम कर सकें, आपका पसंदीदा हो। दूसरी चीज़ यूट्यूब थोड़ा सा महंगा भी है भाई, गैजेट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है कि आप सोचते हैं कि आपके पास अच्छा ये हो जाए अच्छा वो हो जाए तब हम शुरू करेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। जो आपके पास स्मार्टफोन है अगर तो आप स्मार्टफोन से भी शूट कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पर बहुत दिनों से स्मार्टफोन से ही शूट कर रहा हूँ और काफ़ी मतलब मुझे ऑडियंस की तरफ से प्यार भी मिला है, मेरे काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी जा रहे हैं हमारे टेक चैनल पर। आप देख सकते हैं जितेंद्र राठौर चैनल का नाम है वहाँ पर जो मेरा सेकेंड चैनल, ये तो ब्लॉग चैनल है जितेंद्र राठौर ब्लॉग्स, तो इस पर भी कंटेंट जो है ऑडियंस ज़्यादा बहुत ही अच्छा प्यार दे रही है। काफ़ी वीडियोज़ मैंने 29 वीडियोस इस पर भी अपलोड कर रखे हैं और इस समय जो मैं शूट कर रहा हूँ वो भैया का कैमरा है GoPro 8। तो यहाँ पर GoPro 8 से इनके पास कंप्लीट सेटअप है पूरा। अभी जो बाइक भी आई है ड्यूक, जो कि आप जानते ही होंगे अगर आपने चलाया हो नहीं चलाया हो, लेकिन यहाँ पर जो मैं है दिवाली गिफ्ट देने वाले हैं, यहाँ पर एक बढ़िया सा ब्लॉग आने वाला है। मैं भी कभी नहीं बैठा हूँ अभी ड्यूक पर, भैया की वजह से मुझे बैठने को मिलेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आए, और जब ड्यूक आ जाएगी तो उस पर भी एक नया ब्लॉग आएगा। अवश्य आएगा अवश्य आएगा, लद्दाख राइड भी करेंगे, सब लोग साथ में चलेंगे। बिल्कुल, दुनिया दिखाई जाएगी, दुनिया घुमाई जाएगी, समझे। आग लगानी है भैया ना।